बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मसालेदार फ्राइज़। इसके लिए मैंने ये 10 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, स्किन के साथ हैं। मैंने ब्रश मार के बहुत अच्छे से इनको धोया है, इनका पानी खुश्क होने दिया है। अब मैं इनकी फ्राइज़ बना के, तो ये साथ ही मैंने बड़ा बाउल रखा हुआ है ठंडे पानी का, इसमें डाल दूँगी। 2 घंटे के लिए हम इसमें रखेंगे ताकि इतनी देर में जितना इनका स्टार्च है वो निकल सकता है निकल जाए। उसके बाद हम इसको छलनी में छान के ड्राई करेंगे और फिर फ्राइज़ बनाएंगे। इसके लिए जो मसाला बनाना है, ये मैंने 1 कप बेसन डाला है बाउल के अंदर। इसमें 1 अंडा जाएगा, 1 टेबलस्पून फुल जो है वो मैंने चाट मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून जो है वो मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून फुल मेरे पास जो है वो सुरख पिसी हुई मिर्च का है, 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। ये सारी चीज़ें मैं बेसन में डाल के, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बना लूँगी थिक, और उसके बाद इसको हम फ्राइज़ पे लगा के तो फ्राइज़ बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले इन चीज़ों को मिक्स करके रखती हूँ इसका मसाला बना के, और उसके बाद हम फिर फ्राइज़ को काटते हैं। मैं ये 3-4 तरह से फ्राइज़ बनाती हूँ मसाले वाली। अभी आज मैं आपके साथ पहली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद फिर दूसरी भी करूँगी। चला गया, साथ ही मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसको मिक्स करना आसान हो जाए। हमारा बैटर जो है वो थिक होना चाहिए ताकि आलू के ऊपर कोट हो जाए। बैटर हमारा तैयार है, इसको मैं अब साइड पे करती हूँ। अब हम अपने फ्राइज़ काटते हैं। कोशिश करनी है कि एक ही साइज़ की कटें, जितना आपने इनको थिक रखना है उतना रखें, बहुत ज़्यादा थिक भी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर वो टाइम बहुत लेंगे पकते हुए फ्राई होने में। इसी तरह से सारी हम काटेंगे। ऐसे ही सारी काट के, तो मैंने साथ ही ठंडा पानी रखा हुआ है उस बाउल में डालती जाऊंगी। इसी तरह से मैं सारी काट लूँगी और उसके बाद ठंडे पानी में डालती जाऊँगी। उसके बाद मैं जब इनको निकालूँगी फ्राइज़ बनाने से पहले, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फ्राइज़ को अब फ्राई करने लगी हूँ। मैंने बैटर इसके लिए ऊपर लगाने के लिए मसाले वाला पहले बना के रखा था। फ्राइज़ को मैंने 2 घंटे पानी में भिगो के खुशक किया है बहुत अच्छे से, ये देखें। अब मैं ये वाला जो बैटर है, आप ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगाएं, लेकिन ये है कि 2 चम्मच जो हैं वो इसके लिए काफ़ी होंगे। इतने के लिए अच्छे से इसको हाथ से मिक्स करूँगी, और मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है उसमें डाल दूँगी।
बस हमने इसको हल्का सा कोट करना है बैटर के अंदर। ऑयल गर्म हो गया है, मैं फ्राइज इसमें डालूंगी। अभी हम इनको छेड़ेंगे नहीं, जो ये अच्छे से पक जाएंगे एक साइड से, तो फिर हम इसको हिला के दूसरी साइड पे करेंगे, सारी आपस में मिक्स हो जाएंगी। अभी करेंगे इनको, हिलाएंगे तो इनके ऊपर जो बैटर लगा हुआ है वो उतरना शुरू हो जाएगा। होती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राइज हमारी बन रही हैं, बनती हैं तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। फ्राइज रेडी हैं, मैं अब इनको निकालने लगी हूँ। देखिए मसाला इनके ऊपर बहुत अच्छे से कोट हुआ हुआ है। ये क्रिस्पी हैं, इसके साथ ही मैं दूसरा बैच डाल दूंगी। ये भी हो जाएंगे तो फिर मैं निकाल लूँ। मसालेदार क्रिस्पी फ्राइज़ रेडी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।